हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि IBPS क्लर्क एंड IBPS PO और दूसरे सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्री ई बुक्स एंड फ्री PDFs आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस ऑफर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। IBPS क्लर्क की पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक टारगेट बैच इसका चल रहा है और इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें मैं पूरा प्री और मेंस का पढ़ाऊंगा। वैलिडिटी इस टारगेट बैच की 1 साल तक रहेगी, और इसको आप, वैसे इसकी रेगुलर फीस 1950 है, लेकिन 950 डिस्काउंट पर इसको आप 1000 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर जाके आपको इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करना है, C950। इसके साथ मैं आपको लाइफ टाइम के लिए 7 ई-बुक्स भी दूंगा, जिससे आप 2500 वर्ड्स की वोकेबलरी तैयार कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, और 24/7 इसमें कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। और ये क्लासेज जो चलेंगी, ये चलेंगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examinee.in, यहाँ पर ये क्लासेस, पेड क्लासेस हमारी चलती हैं। देखिए, ये है कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस सेंटेंस में 4 जो वर्ड्स हैं उनको बोल्ड किया गया है, और उन वर्ड्स का सीक्वेंस गलत हो सकता है। कोई भी 2 वर्ड्स का या कोई भी 4 वर्ड्स का सीक्वेंस गलत हो सकता है। सीक्वेंस गलत होने का मतलब है कि वहाँ पर उस वर्ड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर किसी और वर्ड की ज़रूरत है, और उस वजह से उसका उसका मीनिंग वहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो आपको सही सीक्वेंस में वर्ड्स को रखना है, और वर्ड्स का जो सही सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैंक PO में भी आ सकते हैं और बैंक क्लर्क में भी आ सकते हैं, प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में। अब देखिए, यहां से मैं पढ़ता हूं, अल्टीमेटली एंडिंग द कल्चर ऑफ फॉलो। अब देखिए, कल्चर ऑफ वॉट, मैं लिंक्स बताता हूं आपको किस तरीके से लिंक्स बनाना है, किस तरीके से कॉमन सेंस अप्रोच को अप्लाई करना है। कल्चर ऑफ फॉलो नहीं हो सकता, कल्चर ऑफ, यहां पर ऑफ प्रपोजिशन लगा है, तो इसके बाद यहां पर जो आएगा वो नाउन ही आएगा। कल्चर ऑफ व्हाट, व्हाट का आंसर जो होता है वो नाउन होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें नाउन कहां पर है, जैसे व्हीकल्स इसमें नाउन है, रूल्स नाउन है, इम्प्यूनिटी नाउन है, तो इम्प्यूनिटी आप यहां पर लगा सकते हैं। अल्टीमेटली एंडिंग द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी दैट अलाउज गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड VIP टू इग्नोर रोड रूल्स विल इनकरेज द एवरेज सिटीजन टू इम्प्यूनिटी। देखिए, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट की बात हो रही है, कि एक तरफ हम क्या करते हैं कि VIP की जो गाड़ियाँ रहती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो गाड़ियाँ रहती हैं, उनको हम रूल्स को डिसओबे करने की अनुमति देते हैं। उनको हम रूल्स को रूल्स से ये वो फॉलो भी ना करें तो भी ये बात अलाउ रहती है, चलती है। तो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एग्जेम्पशन, कि उनको हम छूट देते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और VIPs को छूट देते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स को यदि फॉलो ना भी करें तो भी वहां पर वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आम जनता के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यहां पर देखिए, अल्टीमेटली एंडिंग द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, यदि यहां पर आप इम्प्यूनिटी लगा दें तो ये फॉलो यहां पर आ जाएगा, तो फॉलो ये यहां पर आ जाएगा, यानी 1 एंड 4 की पोजिशन यदि आप चेंज करें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखिए, रोड रूल्स तो सही है, रोड के साथ रूल्स ही लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ व्हीकल्स वर्ड सही है यहाँ पर, यानी सेकंड और थर्ड की पोजीशन तो सही है, लेकिन 1 एंड 4 की पोजीशन को आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए, अल्टीमेटली एंडिंग द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी दैट अलाउज, इम्प्यूनिटी की वजह से क्या होता है, वो अलाउ करती है गवर्नमेंट व्हीकल्स को और VIPs को टू इग्नोर रोड रूल्स विल इनकरेज द एवरेज सिटीजन टू फॉलो देम, ठीक है। हम जो आम जनता है उससे उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगी, और VIP और गवर्नमेंट सिटीजन्स को हम उनको एक इम्प्यूनिटी दे देते हैं, हम उनको एक एग्जेम्पशन दे देते हैं।
तो यहां पर फॉलो नहीं आएगा, यहां पर इम्प्यूनिटी आएगा। अब देखिए यहां पर भी मैं आपको एक लिंक बता रहा हूं, यहां पर देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन टू के बाद क्या लगा है, यहां पर नाउन लगी है। तो यहां पर यदि आप फॉलो लगाएंगे तो टू प्लस वी वन हो जाएगा, तो ग्रामर के हिसाब से भी सही सही हो जाएगा। और यहां पर ऑफ के बाद नाउन चाहिए तो इम्प्यूनिटी नाउन हो जाएगी, ठीक है, तो आपका सेंस सही निकलेगा। तो इसमें टू एंड थ्री की पोजिशन तो सही है, वन एंड फोर की पोजिशन आपको चेंज इसमें करना पड़ेगी। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा यहां पर ए, वन एंड फोर। तो ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, और ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस मैं अपनी पेड क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ से मैं फिर से पढ़ते हैं, द क्वेश्चन दैट हैज़ अराइजन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी ये जो प्लेसमेंट है इस वर्ड का ये सही है, इज वेदर एनहेंस्ड फाइंस कैन डेट्रीमेंट्स। देखिए ये एक नाउन है, मैंने कैसे पहचाना कि ये एक नाउन है, इसमें एस लगा हुआ है, जैसे पेन में एस लगा देंगे हम पेन्स, या बुक में एस लगा देंगे बुक्स, इसका मतलब क्या है, ये एक नाउन है। लेकिन कैन के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पर वी वन आना चाहिए, यानी ये वर्ड जो है ये गलत है, ठीक है। और इस वर्ड के बाद क्या दिया है एक्चुअली, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चेंज दिया है, कैन चेंज यानी वर्ब दी है, यानी यहाँ पर जो पोजीशन हो सकती है वो एडवर्ब की हो सकती है, क्योंकि वर्ब से पहले एडवर्ब हम लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है इसमें रेडिकली, एडवर्ब है इसमें रेडिकली, तो रेडिकली हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी सेकंड वर्ड के स्थान पर हम रेडिकली लगा सकते हैं और थर्ड के स्थान पर हम डिटर्मिनेंट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अदर, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज, देखिए अदर दिया है तो अदर के बाद यहाँ पर नाउन ही आ सकता है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स यानी नाउन आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड में इसमें पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए यदि आप ये पोजीशन चेंज करें और फिर सेंटेंस पढ़ें तो सेंटेंस हो जाएगा, द क्वेश्चन दैट हैज अराइजन इज वेदर एनहेंस्ड फाइंस कैन रेडिकली चेंज द रिकॉर्ड व्हेन अदर डिटर्मिनेंट रेडी वेल व्हेन अदर डिटर्मिनेंट बिगनिंग विथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिमेन अनटच्ड। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यदि हम केवल फाइंस बढ़ा दें, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट की इसमें बात हो रही है, केवल फाइंस बढ़ा दें और दूसरी चीज़ों को हम चेंज नहीं करें, दूसरे रिफॉर्म्स को हम चेंज नहीं करें, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें भी इसमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यही इस सेंटेंस का मतलब है, और इसमें सेकेंड एंड थर्ड की पोजिशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो अराइजन तो यहाँ पर सही है, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, किस रिफॉर्म की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, रिफॉर्म यहाँ पर नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो ये तो सही है, केवल सेकंड और थर्ड की पोजीशन को आपको चेंज करना है और बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया, इस तरीके से एक्चुअली बैंकिंग के क्वेश्चंस को किया जाता है, ये है सही तरीका, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखिए, मिस्टर ट्रंप हैज पब्लिकली, देखिए पब्लिकली एक एडवर्ब है क्योंकि इसमें एलवाई लगा हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर वर्ब आ सकता है, लेकिन यहां पर तो नाउन लगा हुआ है, यानी इसकी पोजिशन को चेंज करने की जरूरत है, तो पब्लिकली के बाद क्या वर्ड आ सकता है, पब्लिकली के बाद क्रिटिसाइज्ड वर्ड आ सकता है, ठीक है। और इनकी पोजीशन यदि आप चेंज करें, जैसे क्रिटिसाइज यहाँ पर लगा दें तो फिर पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, पोजीशंस नाउन है इसलिए दा के बगल में नाउन यहाँ पर आ सकता है, तो वन एंड थर्ड की पोजीशन इसमें थ्री वन बोल सकते हैं, वन थ्री बोल सकते हैं, थ्री वन इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसको देखते हैं क्या होगा। एट द हेल्म का क्या मतलब होता है, एट द हेल्म का मतलब होता है किसी व्यक्ति का लीडरशिप पोजीशन में होना, एट द हेल्म, ठीक है। मिस्टर ट्रंप हैज पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड हिज आउट गोइंग एनएसए एंड द एंड मे रिवर्स, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये सही है, मे रिवर्स मैनी ऑफ द पोजिशंस द यूएस हैड टेकन विथ मिस्टर बोल्टन एट द हेल्प, सही है। तो यहां पर पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड और मैनी ऑफ द पोजिशंस, ये सही है, वन थ्री या थ्री वन कह सकते हैं, इसमें ये सही आंसर होगा।
ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको सेंटेंस का होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, और रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि दो चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर दैट पॉलिसी टू मच, देखिए टू मच से पहले यहाँ पर पॉलिसी नहीं आएगा, टू मच से पहले यहाँ पर कोई एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इट इज़ क्लियर दैट इन्वेस्टिंग टू मच हो सकता है, इन्वेस्टिंग टू मच इन एनी, यहाँ पर ये भी नहीं बन रहा, यहाँ पर होगा एक्चुअली इन्वेस्टिंग, यहाँ पर ये दोनों ही आपको पोजिशन चेंज करनी पड़ेंगी, टू एंड फोर एंड वन एंड थ्री। देखिए इट इज़ क्लियर दैट इन्वेस्टिंग टू मच इन एनी वन, यहाँ पर पॉलिसी आएगा एक्चुअली, एनी वन पॉलिसी, और एक्सपेक्टिंग कंसिस्टेंसी इन अमेरिकन एडवाइजर एज ए रिजल्ट वुड बी आ फॉली, फॉली का मतलब होता है गलती, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ए और एन लगा हुआ है तो फॉली यहाँ पर आ जाएगा, इसमें ये दोनों ही वर्ड्स की पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, टू फोर एंड वन थ्री इसका आंसर होगा, टू फोर एंड वन थ्री यानी डी इसमें आपका आंसर होगा। देखिए कितने सेकेंड्स में आंसर मैं निकाल के आपको दे रहा हूँ, और ये रियल क्वेश्चन हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका मीनिंग जानने की भी जरूरत नहीं है, एक जनरल आइडिया आपको सेंटेंस का होना चाहिए कि उसमें क्या बोला जा रहा है और कौन से वर्ड्स वहां पर सही फिट होंगे, और ये स्किल आती है रीडिंग से, कैसे आपको आंसर तक पहुंचना है। देखिए द पीपल हु यहाँ पर एक्चुअली वर्ब होनी चाहिए, द पीपल हु इसमें हो जाएगा हु बिलीव हो सकता है, यहाँ पर द पीपल हु बिलीव दैट दीज कांग्रेस लीडर्स आर स्पेयर्स, यहाँ पर यदि बिलीव रखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा द पीपल हु बिलीव दैट दीज कांग्रेस लीडर्स आर, यहाँ पर एक्चुअली आ जाएगा डिफेक्टर्स, इट्स ओन मैन एंड डिफेक्टर्स। हाँ तो वन एंड फोर की पोजिशन तो चेंज होगी इसमें, वन एंड थ्री देखते हैं इसको करके, द पीपल हु यहां पर जाएगा बिलीव दैट दोज कांग्रेस लीडर्स आर, यहां पर आ जाएगा करप्ट, दैट दोज कांग्रेस लीडर्स आर करप्ट डू नॉट इवन आस्क वाई द बीजेपी स्पेयर्स इट्स ओन मैन एंड डिफेक्टर टू द पार्टी। हाँ इसमें दोनों पोजीशन चेंज होने के बाद इसमें आंसर होगा आपका डी। डिफेक्टर का मतलब होता है जो धोखा देता है, जो दूसरी पार्टी में चला जाता है या दूसरी कंट्री में चला जाता है उसको फेवर करता है, ठीक है। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना किसी को, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा The people who believe that these Congress leaders are corrupt do not even ask why the BJP spares its own man and defector to the party. मतलब कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस वाले बीजेपी से बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जो अपनी पार्टी के जो डिफेक्टर्स हैं और करप्ट लोग हैं उनको स्पेयर क्यों कर देती है, क्यों छोड़ देती है उनको, ठीक है। तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा। अब देखिए ये सेंटेंस कनेक्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये दो सेंटेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस को किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस से आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं कि इनका मीनिंग चेंज ना हो। इनको सेंटेंस स्टार्टर बोलते हैं, सेंटेंस कनेक्टर नहीं, सेंटेंस स्टार्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, सेंटेंस स्टार्टर ये लिखा हुआ है, ठीक है। The Jan Suchana portal has great value and significance. It places the power of making the state government accountable to everyone. देखिए इसमें एक तरफ हम बोल रहे हैं कि जन सूचना पोर्टल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और उसका सिग्निफिकेंस है, क्यों है, क्योंकि इट प्लेसेज द पावर ऑफ मेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू एवरी वन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल बनाता है जनता के प्रति। तो यहाँ से बन जाएगा ये, इसमें रीज़न बता रहे हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और रीज़न को हम सिग्निफाई करते हैं सिंस से, एस से या बिकॉज से। तो एक तो सिंस से डेफिनेटली बन जाएगा, सिंस इट प्लेसेस द पावर ऑफ मेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू एवरी वन, द जन सूचना पोर्टल हैज़ ग्रेट वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। सेकेंड से डेफिनेटली बन जाएगा,
प्लेसिंग द पावर ऑफ, इससे भी बन जाएगा, प्लेसिंग द पावर ऑफ मेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल इट हैज़ ग्रेट वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। ऐसा करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को आम जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाते हुए ये एक ग्रेट ग्रेट वैल्यू रखता है, डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकेंड से बन जाएगा। ऑल्दो से तो हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रीज़न बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही इसमें आपका सही होगा, डी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये प्रैक्टिस से आसानी से बन जाते हैं, इतने कठिन नहीं होते ये। यहाँ पर आपको एक्चुअली ये जो कनेक्टर होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि रीज़न के लिए एज हम लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं, ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट के लिए लगाते हैं, बट कॉन्ट्रास्ट के लिए लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें रीडिंग से ही आएंगी आपको। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मिस्टर बोल्टन इज एन आउट स्पोकन फॉरन पॉलिसी हॉक, ही हैज बीन द स्टैंडर्ड बेरर ऑफ द हार्ड लाइन विजेविस ईरान। देखिए, इस मिस्टर बोल्टन जो है वो एक आउट स्पोकन, मतलब अच्छा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, साफ सुथरे तरीके से बोलने वाला, क्लियरली बोलने वाला फॉरेन पॉलिसी हॉक है, फॉरेन पॉलिसी लीडर है, ठीक है। ही हैज़ बीन द स्टैंडर्ड वियरर ऑफ द हार्ड लाइन, मतलब हार्ड लाइन जैसे कड़े डिसीजंस जो लेते हैं उसके लिए वो एक स्टैंडर्ड है, विद रिस्पेक्ट टू ईरान, ईरान के संदर्भ में इसमें बात हो रही है। तो इसमें हम एक तरफ रीज़न बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि वो फॉरेन पॉलिसी हॉक है। फॉरेन पॉलिसी हॉक वो क्यों है? क्योंकि वो आउट स्पोकन है। तो यहाँ से डेफिनेटली इससे तो बनी जाएगा, बीइंग एन आउट स्पोकन फॉरेन पॉलिसी हॉक ही हैज़ बीन द स्टैंडर्ड बियरर। चूंकि वो फॉरेन पॉलिसी हॉक रहा है इसलिए वो स्टैंडर्ड बियरर है, डेफिनेटली फर्स्ट से बन जाएगा। और इन ऑर्डर टू बी एन हैविंग एन आउट स्पोकन, नहीं, केवल फर्स्ट से ही बनेगा इसमें। इन ऑर्डर का मतलब होता है इसके लिए, इन ऑर्डर टू बी से नहीं बनेगा, हैविंग एन आउट स्पोकन इससे भी नहीं बनेगा। ये इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक सेंस क्रिएट हो जाता है कि कहाँ से ये सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ से ये डेफिनेटली बन जाएगा, ओनली फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली नीड्स ए ड्रामेटिक फॉरेन पॉलिसी ब्रेक थ्रू बिफोर द 2020 इलेक्शन, ही नीड्स टू स्टेब्लिश हिज रेपुटेशन एज ए स्ट्रेटेजिस्ट। देखिए, इसमें भी रीज़न हम बता रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली नीड्स, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत है एक ड्रामेटिक फॉरेन पॉलिसी ब्रेक थ्रू की। ही नीड्स टू एस्टेब्लिश हिज रेपुटेशन एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। यदि फॉरेन पॉलिसी ब्रेक थ्रू उसको चाहिए तो उसको स्ट्रेटेजिस्ट की रेपुटेशन अपनी बनानी पड़ेगी, मतलब इस चीज़ को अचीव करने के लिए उसको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू लग जाएगा, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसके लिए, जैसे इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड, इन ऑर्डर टू बिकम बैंक पीओ वी आर वर्किंग हार्ड, ठीक है। बैंक पीओ बनने के लिए हम वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो के लिए इसका मतलब होता है। तो इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश हिज रेपुटेशन एज ए स्ट्रेटेजिस्ट ही नीड्स ए ड्रामेटिक फॉरेन पॉलिसी ब्रेक थ्रू, इससे डेफिनेटली बन जाएगा। और इससे भी बन जाएगा, विद एन एम टू इस्टेब्लिश हिज रेपुटेशन एज ए स्ट्रेटेजिस्ट ही नीड्स अ ड्रामेटिक फॉरेन पॉलिसी, इससे भी डेफिनेटली बन जाएगा। हैविंग ए डेस्परेट नीड, इससे नहीं बनेगा, फर्स्ट सेकेंड सही आंसर है इसमें, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएंगे ये सेंटेंस। एक और देखते हैं, मोटरिस्ट हैव रिएक्टेड विद आउटरेज एट द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाय द पुलिस। इसमें एक्चुअली ये बात हो रही है कि मोटरिस्ट जो है वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। इसमें भी मोटर व्हीकल एक्ट की बात हो रही है, दे आर अपसेट एट स्टेट गवर्नमेंट फॉर परस्यूइंग इन्फोर्समेंट। देखिए, एक तरफ वो अपसेट हैं और इसलिए वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, दे आर अपसेट एंड दे आर रिएक्टिंग आउटरीच, अपसेट होने की वजह से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो बीइंग अपसेट एट स्टेट गवर्नमेंट फॉर परस्यूइंग इन्फोर्समेंट, मोटरिस्ट हैव रिएक्टेड, डेफिनेटली यहाँ से भी बन जाएगा और यहाँ से भी बन जाएगा। ओइंग टू बीइंग अपसेट, अपसेट होने की वजह से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ओइंग टू का मतलब होता है इस वजह से, बीइंग का मतलब होता है होने की वजह से, इस वजह से,
तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों से ही ये बंद बन जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसको देखते हैं, इट्स ए स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट डिटरेंस एंड प्रोटेक्ट द लाइफ्स ऑफ सिटीजन, इट इज लेफ्ट टू स्टेट टू चूज द क्वांटम ऑफ फाइंस। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, चूंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की लाइफ को वो बचाए, इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट डिटरेंस, कुछ रोकथाम की व्यवस्था वो करे। इसमें भी मोटर व्हीकल एक्ट की ही बात हो रही है, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों की जान चली जाती है, उसी की इसमें बात हो रही है। इट इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट डिटरेंस, कुछ रोकथाम करे वो, एंड प्रोटेक्ट द लाइफ्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। और इट इज लेफ्ट टू स्टेट टू चूज द क्वांटम ऑफ फाइंस, इसलिए फाइंस कितना होना चाहिए, इसलिए ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इसमें भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि चूंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जान बचाना, इसलिए फाइन का क्वांटम क्या होगा, इसको स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है। इसमें डेफिनेटली रीज़न बता रहे हैं, तो रीज़न हम सिंस और बिकॉज दोनों से बताते हैं, एस से भी बताते हैं, लेकिन एस का सेंटेंस सही नहीं है यहाँ पर। सिंस इट इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट डिटरेंस एंड प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ सिटीजन, इट इज लेफ्ट टू स्टेट टू चूज द क्वांटम ऑफ फाइंस, यहाँ से बन जाएगा, बिकॉज स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट डिटरेंस, इट इज लेफ्ट टू स्टेट, यहाँ से भी बन जाएगा। एस टू चूज नहीं, एस के बाद टू चू नहीं, ये टू नहीं आता, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड से बन जाएगा, ये बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें 10 क्वेश्चंस लिए हैं, और ये सीरीज में चला रहा हूँ IBPS क्लर्क के लिए और IBPS PO के लिए। इन वीडियो क्लासेस को आप रेगुलरली देखिए, और मेरी वीडियो क्लासेज यदि अच्छी लगती हैं इनको शेयर आप ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें, इसको लाइक करें। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप फ्री कंटेंट लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और IBPS क्लर्क के लिए मेरा अभी एक टारगेट बैच चल रहा है इंग्लिश सेक्शन के लिए, जिसमें डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, केवल 1000 रुपीज़ में उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 1 साल है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।